हम आम लोग हैं और हमारे जीने का ढंग अलग है। आपको कारोबार करना है, आप यूनुस भाई के साथ कीजिए। हम सिर्फ आपके लिए सैंपल्स बनाएंगे। और आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं, हमसे दूरी बनाए रखिए। और अगर आपको ये पसंद नहीं तो आपसे कारोबारी रिश्ता तोड़ना ही सही फैसला होगा। ठीक है मरियम जी, आइंदा हम ख्याल रखेंगे, लेकिन प्लीज आप बुरा मत मानिए। अजहर मियां, हमारा कारखाने आने का बिल्कुल मूड नहीं। आप समझाइए कारीगरों को, 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ेगा। अरे भाई, ऑर्डर कैसे पूरा होगा नहीं तो यार। ठीक है, हम कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। श्रीवास्तव के बच्चे ने दिमाग खराब कर रखा है हमारा। अभी अब्बाजान को मालूम पड़ा हो रहमत खाला से तो कितना भड़क रहे थे। कह रहे थे कि धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला उस कमजर को। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मरियम को वो हार देने की। हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या बोले हम? हमारी औकात ही क्या है इस घर में? ये लो, अब ये औकात कहां से आ गई बीच में आपकी? देखिए, आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। हमेशा हमारी बेइज्जती कर देते हैं श्रीवास्तव जी के सामने। उस दिन भी उनके सामने आप हम पर चिल्लाए और आज भी। हम बड़ी बहू है इस घर की, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में? आप काम भी तो ऐसे करती है ना, कारोबारी मामले में घुसने की क्या जरूरत है इतना? हम आपके कारोबार में नहीं घुस रहे थे, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे थे। और क्या गलत कहा हमने? आप ही कारोबारी रिश्ता तोड़ने पे तुले हुए थे, वो तो हमने सोचकर बात को संभाल लिया। माफ कीजिएगा, आपको हो या ना हो, लेकिन हमें हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है। और सभा के अब्बू, बात को समझने की कोशिश कीजिए। श्रीवास्तव जी से कारोबार, इसमें हमारा ही ज्यादा फायदा है। मसला यह है कि आपको सिर्फ फायदा दिखता है, नुकसान नहीं। नुकसान? अब इसमें नुकसान कैसा? मरियम ने हार लेने से मना कर दिया, बात वहां पे खत्म हो गई, लेकिन आप ही बात को खींचे जा रहे थे। और उससे वो रहमत खाला, वो होती कौन है बीच में पड़ने वाली? अब नौकर है तो नौकर की तरह ही रहे ना। बहरहाल, हमें ये बताइए कि हमारे जाने के बाद वहां पे क्या हुआ? आपने तो कारोबारी रिश्ता तोड़ दिया होगा, ढकेल दिया होगा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में। असीमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो धक्के मार के बाहर निकालने वाले थे उसको, लेकिन मरियम ने उसे एक और मौका दिया, फिर हम कुछ नहीं कह पाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मरियम ने बात को संभाल लिया, वरना। यार ये लड़की ऐसे कैसे मना कर सकती है टेनिस खेलने में? तुमने कितनी मेहनत की है उस पे, और इस लड़की में टेनिस खेलने का टैलेंट भी है। यार हार और जीत तो खेल के मैदान में लगी रहती। क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट नहीं हुआ? क्या सानिया मिर्जा कोई मैच नहीं हारी? आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। हमें पूरा यकीन है कि नज्जो आज हारी है तो कल जीतेगी इंशाल्लाह। कमाल की लाइनें बोल दी हमने आज। हाँ, शायद कल से याद है आपको जो हमने बोली थी वही दोहराई है। अच्छा, वाकई? हाँ, तो उसमें क्या है? मरियम साहब, आप क्या? अरे हाँ यार, मरियम भी। सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही? बदतमीज कहीं का जी। हमारा रहने दो यार, आज तो इज्जत उतर रही है,
रहने तो रहने, तुम चाय बनाओ यार, मत पूछो कुछ भी। जी वो शायद आप गुस्से में हैं। जी इमरान साहब, हम बहुत गुस्से में हैं। वो बदतमीज समझता क्या है अपने आप को? ओह, इसका मतलब बदतमीज ना हम हैं, तुम हो। उसकी हिम्मत तो देखिए, बदजात। मरियम भी, आप किसे बदतमीज कह रही हैं? क्या हुआ क्या है? उसकी हिम्मत तो देखिए, हमारे घर में आकर ऐसी हरकत। जी तो कर रहा था वहीं पर एक थप्पड़ लगा दे उसे, जिंदगी भर याद करता। यूनिस भाई की वजह से रुक गए हम। अरे भाई, आप अपने आप से बातें कर रही हैं कि हमें बता रही हैं? आप बताइए तो क्या हुआ है। जी 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 कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं, इतनी देर से आप परेशान हैं, बदतमीज किए जा रही हैं, बताइए तो। अरे मोहतरमा छोड़िए ना, बताइए क्या हुआ क्या है। जी वो आप हमारे लिए डिजाइन्स बनाए और इस काम के लिए हम आपको हर महीने 50,000 रुपए देंगे। खैर ठीक है, हम इस काम के 60,000 रुपए देंगे आप। अब बताइए क्या फैसला है। मरियम जी, हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, पूरे 10,000 का। यार बात ही गिरा हुआ इंसान। उस दिन हमें पैसों का लालच दिया और आज गहनों का। हमें भी वो अपनी तरह बिकाऊ समझता है। जी, कमीना इंसान है यार। उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसने हार देने की कोशिश की आपको। जी अरे चाटा मारती है उसके, वहीं घर से बाहर क्यों निकाल दिया आपने उसको? जी बिल्कुल जी, वो यूनिस भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। हाँ लेकिन दप्पड़ तो नहीं मारा ना? और वैसे तो वो बहुत 30 बार खास समझते हैं अपने आप को यूनिस मियां। इस वक्त बुध बने खड़े होंगे आप, हमको बताइए ये कहाँ मिलेगा। जी हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी जलील हरकत करने की आपके साथ? आप हमें बताइए कब निकला है, कहाँ है इसका ऑफिस, हम पकड़ के मारेंगे। नहीं नहीं इमरान साहब, रहने दीजिए। कमाल है, इतनी नाजेबा हरकत की है उसने आपके साथ और आप कह रही हैं रहने दीजिए। जी वो हो गया इमरान साहब, जो होना था वो, अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। दोबारा करेगा तो जान से मार देंगे उसको हम। तो हमारा मतलब है कि अब आखिर ठीक तो है, कहीं दिख गया हम उसको बहुत मारेंगे, औकात दिखा देंगे सर। हाय सच्ची, फिर हाय अल्लाह, अच्छा भाभी आप सच कह रही है ना, कमाल कर दिया उन्होंने तो। जी अब्बा क्या हो रहा है ये सब? नहीं नहीं, अरे हमें क्या पता, कर रही होगी मरियम की बुराई नसीमा से। पिछले आधे घंटे से ऐसी बच्चियां रही है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अम्मा हमें तो कोई बड़ी खबर लगती है। हाँ। और देखा नहीं बिल्किस वालों कैसे हमारे सलाम का जवाब नहीं दे रही थी। बिल्कुल अम्मा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है अम्मा। अम्मा बहुत दिन से आपके इन हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाया है, इस बहाने अपने इन हाथों से हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना दो ना अम्मा। चल हट मुझे, यहाँ हम खुद भूखे बैठे, तुझे अपनी पड़ी है। मगर सबसे पहले हमें ये जानना है कि हुआ क्या है जो तेरी बीवी तवे पर पड़े रोटी जैसे उछल रही है। बिल्किस वालों आई है, हम आपके लिए पानी ले आए। पानी क्यों, शरबत बना दे जो रुके गुलाम, हम तो कहते पूरा खाना बना दे, ठूस दे इसके मुंह में। यहाँ अम्मा भूखे, उसके किसी को परवाह नहीं। अम्मा आप हर बात अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं? आप बिल्किस वालों आप बताइए बात क्या है। अरे वो ना, हम तो अपनी भाभी से बात कर रहे थे। भाभी ना हमें बताया कि मरियम भाभी ने, देखिए जी समझा दीजिए अपनी अम्मा को
या तो ये बात कर ले या हमें बात करने दे। अरे अम्मा आप इनको बात करने दीजिए ना। बोल ये क्या हुआ? वो जो यूनुस भाई के नए वाले क्लाइंट है ना, जी जी, जिन्होंने अभी बहुत बड़ा वाला ऑर्डर दिया था, हा, 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 और जिन्होंने वो मरियम भाभी का डिजाइनर, वो मरियम भाभी का डिजाइनर, आगे आगे बताइए, उन्होंने ना मरियम भाभी को तोहफा देने की कोशिश की। लो खोदा पहाड़ और निकला तोहफा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है क्योंकि तोहफा नसीमा को नहीं मरियम को मिला। अम्मा बात तोहफे की नहीं है, तोहफे की कीमत की है। वो मुआ ना मरियम भाभी के लिए महंगे गहने लेकर आ गया, और ना मुराद अच्छे से जानता है कि मरियम भाभी बेवा है। अच्छा, किसी आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर की औरतों पर ऐसी नजर डालने? बिल्कुल, अरे हमें तो पूरा यकीन है कि उसकी नियत में कोट है। अगर वो मुआ हमें कहीं मिल गया ना, हम उसका मुंह नोच लेंगे। अरे अम्मा वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि चचा जान घर पर नहीं थे, वरना शामत आ जाती उसकी। हमें तो पूरा यकीन है कि यूनुस भाई ने उसकी अच्छी तरह से मरम्मत की होगी, ना मुराद कहीं का। अरे ऐसी की तैसी उसकी, उसे उलझाए ना तो उसको मुर्गे की तरह पेट को दबा देंगे, उसको एकदम कूट कूट के उसकी क्या बताएं, अब समझ में नहीं आ रहा। लफ्ज कम पड़ गए हमारे पास। अरे वो आप तो गाइस बार हमारे साथ, अरे कैसी बात है। अरे बस कुछ मत कीजिए, आप घर जाइए, बताइए क्या खाएंगे। वैसे ना हमने आपके लिए बिरयानी बनाई है, लेकिन अगर आपको और कुछ भी खाना ना। नहीं 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 बिल्किस बानो, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। भाई हमारा मन तो है बिल्किस, दो प्लेटों में खाना लेके आओ, एक हमारे लिए और एक हमारे लाडले बेटे के लिए। हाय कुछ से भी कितना प्यारा लग रहा है हमारा लाडला। अम्मा हमारे शोहर को नजर मत लगाइए। अरे अम्मा अम्मा दर्द भी हो रहा है, और आप दोनों भी ना। बिल्किस बानो जाके एकदम बिरयानी ले आऊ ना। लाते क्या हुआ मिया, हो क्या गया था तुम्हें? अभी इतना गुस्सा क्यों हो गए थे तुम है? वो जेवर की बात सुनके? अरे तो बात ही ऐसी थी मामू, बदतमीज आदमी कहीं का, एक पाक इंसान है मरियम भी, उनकी पाकीजगी का कोई एहतराम है कि नहीं है? हाँ मिया, पर तुम क्यों इतना भड़क गए थे? अरे भड़क कौन रहा है मामू? देखो अब भी भड़क रहे हो। अच्छा भाई ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे हमने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वाकई मियां, हमें तो लग रहा था जैसे यूनुस मियां के क्लाइंट ने मरियम साहिबा को नहीं तुम्हारे हाथ में सेवर पकड़ा दिया। अब हमें नहीं पता कि मैं इतना गुस्सा क्यों आ गया था। हमने जब सुना कि वो कमीना मरियम साहिबा के साथ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ मामू। सच पूछिए तो अभी भी हमारा खून बहुत खोल रहा है। हमें मगर क्यों? अरे मगर क्यों क्या मामू, आपको समझ में नहीं आया वहां क्या हो रहा था? मियां हमारा सवाल अभी भी वही है, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आया? भाई हमें नहीं पता हमें इतना गुस्सा क्यों आ गया था। मियां हमें तो लगता है नजमा के साथ साथ मरियम साहिबा भी तुम्हें अपनी लगने लगी, और हमें लगता है कि आप बिल्कुल सठिया गए। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात? निमिया हम तो ये कह रहे थे कि कितना कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? वही हम बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा की अच्छाइयों को लेके एक अपनायत सी हो गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तभी तुमने इस तरह रिएक्ट किया। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन आप भी अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल किया करिए मामू। निमिया हमारी छोड़ो यार, तुम नजमा के बारे में सोचो, उसे किसी तरह से टेनिस खेलने के लिए तैयार करो यार, समझाओ। मज्जू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मज्जू हमें बात करनी है आपसे। देखिए नहीं पड़ोसी, हमें टेनिस के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक, लेकिन क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? जी कहिए। बेटा आपको याद है जब आपने शराब छोड़ने की बात की थी हमसे, तो आपने हमसे कहा था कि आप हमारी महक हैं। हाँ याद है। अच्छा, क्या आपने वो हमसे सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए कहा था कि हम शराब छोड़ दें, या ये सच है? नहीं नहीं पड़ोसी, हमने दिल से कहा था, हम आपकी महक है। तो हमारी महक ने हार कैसे मान ली? अच्छा
आपको पता है हमारी महक डूब रही थी, अभी उसने बहुत हाथ पैर मारे थे। हमारी महक हारने वालों में से नहीं थी, फिर हमारी महक हार कैसे मान सकती है? आपको पता है नजमा, हमारे बहुत सारे ख्वाब थे महक के लिए, उनमें सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि हमारी महक अपने मुल्क के लिए टेनिस खेले। वही ख्वाब जो आपके अब्बू तौसीफ का था, फिर आप दो लोगों के ख्वाब का गला कैसे घोट सकती हैं नजमा? क्या आप अपने अब्बू का, हमारा ख्वाब पूरा नहीं करेंगी? क्या सोच रही हो नज्जो, बात सिर्फ इमरान की महक की नहीं है, तुम्हारे अब्बू की भी है, तुम्हारी अम्मी की भी है। बोलिए ना नज्जो, क्या आप हमारे लिए टेनिस खेलेंगी हमारी महक बनकर? क्योंकि वाकई अगर आप महक हैं तो आपको टेनिस खेलना पड़ेगा। हम खेलेंगे, हम टेनिस खेलेंगे, आपकी महक बनकर और अपने अब्बू की नज्जो बनकर। और आपकी महक इस बार नहीं डूबेगी, वादा। शुक्रिया नज्जो। ये बात, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग भी वक्त पे पहुंच जाएंगे गैरेज। अल्लाह हाफिज। क्या देख रहे हैं मियां, नज्जो राजी हो गई? नज्जो नहीं मामू, हमारी महक जिंदा हो गई और इस बार हमने अपनी महक को डूबने से बचा लिया। खाला, क्या जरूरत थी आपको अब्बा जान को श्रीवास्तव जी के बारे में बताने की? पता है कितने गुस्से में है वो। क्यों ना कहें, घर के मालिक है वो, उन्हें घर में क्या हो रहा पता होना चाहिए। श्रीवास्तव की हिम्मत देखी थी? तौसीफ जिंदा होते तो क्या उसकी हिम्मत होती कि ऐसी हरकत करता? छोटी दुल्हन, आप अकेली नहीं है। अरे चाटा मारती उसके भाई, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी जलील हरकत करने की आपके साथ? दोबारा करेगा तो जान से मार देंगे उसको हम। गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आया था। क्या, किसकी बात कर रही? नहीं, किसी की नहीं। देखिए ना खाला, खामखा अब्बा जान का प्रेशर बढ़ जाएगा। आप परेशान ना होइए छोटी दुल्हन, हमने बेग साहब को समझा दिया है और गुस्सा होना तो लाजमी है, आपकी इज्जत उनकी इज्जत है। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हुआ? अम्मी जल्दी चलिए, हमें निकलना है ना। निकलना है कहाँ के लिए? हमें दरगाह जाना है अम्मी, आपने तो आज हमें कहा था कि आज हमें दरगाह जाना है। हमने कहा था कब? ओह, वो अम्मी अब ये भी भूल गई। नज्जो, लग रहा है कि आपकी अम्मी की उम्र हो चली है। खैर, आप लोग बात करिए, हम जरा बर्तन धोकर आते हैं। भूलने लगी हैं, कब तक याद रखेंगी? आप झूठ भी बोलने लगे, दरगाह जाने के लिए कब कहा था हमने? नहीं अम्मी, हमें टेनिस खेलने जाना है। क्या? हाँ अम्मी, हमने फैसला कर लिया है कि हम टेनिस खेलेंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पर ये करिश्मा हुआ कैसे? आपने तो टेनिस ना खेलने की कसम खा ली थी। नए पड़ोसी की वजह से, उन्होंने कहा कि हम उनकी महक हैं और वो चाहते थे कि उनकी महक अपने मुल्क के लिए टेनिस खेले, तो हमने सोचा उनके लिए टेनिस खेल लें, कम से कम उन्हें तो खुशी मिलेगी।
ये आपने बहुत अच्छा किया नचो। इमरान साहब दिल से आपको अपनी महक मानते हैं और हमारी नचो बड़ी समझदार हो गई है, दूसरों की खुशी के लिए जीना सीख रही है। अभी आपने तो हमें ये सिखाया है। चलिए अब जब आपने टेनिस खेलने का फैसला कर ही लिया है तो देर क्यों करें, जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। जी चलिए। क्या है? ना खाओगे तो फट जाओगे, जाओ यहाँ से। वकार भाईजान, वकार भाईजान, क्या हुआ? पता है, नजमा अभी ना खेलने के लिए राजी हो गई है। क्या? हाँ, अभी अभी छोटी अम्मी के साथ निकली है। अरे वाह, हमें तो यकीन था कि नजमा जल्दी ही मान जाएगी। क्या बातें हो रही हैं? नजमा किसके लिए मान जाएगी? कहाँ गई है वो छोटी अम्मी के साथ? अरे बोलो, कल भी तुम हमें कुछ बताने वाले थे नजमा के बारे में, पर अब वो आ गए थे। चलो अब बताओ। वो अभी वो नजमा टेनिस खेल रही है। क्या?